हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी की अपडेट आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, क्या सर वाकई में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है? क्या कोई नोटिस जारी हुआ है दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग? तो यहाँ पर सारी बातें करने वाला हूँ। पहले आपको बताऊँ ये चीज़ कि बच्चे के मन में कैसे आया कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती है, इसके बारे में सबसे पहले बात करने वाला हूँ आपको। देखिए, ये एक नोटिस है जो दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिस है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है ये आपको बता दूँ मैं यहाँ पे। ये आपका पासिंग आउट का है, कितने बच्चों का है यहाँ पे देख लीजिए। ये लगभग 1417 बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनकी पासिंग आउट होनी है, यानी इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जिसमें इनका बैच जो है अलग अलग तरीके से इन्होंने जो है किया था। पहले इन्होंने कहा था कि आपकी 27 तारीख को जो है आपकी यहां पे हो जाएगी, लेकिन यहाँ से जो पता चला लास्ट में, अब जो यहाँ पे लगभग 21/5/2023 को आपकी जो है परेड, जो आपकी ग्राउंड में परेड होगी, यानी पासिंग आउट परेड होती है जो, वो आपकी होने वाली है। यहाँ पे अलग अलग बच्चे भी इन्होंने दे रखे हैं, कितने बच्चे किसके जो है इसमें हो जो शामिल हुए थे, फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे दे रखे हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि आपकी जो लगभग 1417 बच्चे जो हैं जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, इसमें ड्राइवर भी हैं और इसमें कॉन्स्टेबल भी हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मेल और फीमेल दोनों? हाँ जी, मेल और फीमेल दोनों हैं, और इसमें कुछ कॉन्स्टेबल के हैं और कुछ ड्राइवर के बच्चे हैं जिनका जो है यहाँ पे पासिंग आउट होनी है। क्यों होनी है ये पासिंग आउट? आपको पता होगा कि इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो है आपके 1 जुलाई से दूसरे बच्चे यानी सेकंड बैच यहाँ पे जाने वाला है। तो ये नोटिस वो है बच्चों, ये वैकेंसी का नोटिस नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर 1417 वैकेंसी क्या वाकई में दिल्ली पुलिस की आ चुकी है? तो 1417 वैकेंसी नहीं है बच्चों, ये जो है बच्चे हैं जो पासिंग आउट हो चुके हैं, जिनकी ट्रेनिंग अभी जो है कंप्लीट हुई है रिसेंटली में। बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसे शेयर कर रहे हैं मेरे पास कि बच्चे सर ये क्या है? बच्चों ये आरटीआई का जो है एक रिप्लाई आया था, तो इसमें इन्होंने वैकेंट पोस्ट बताई थी कि इतनी इतनी पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताई थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर कॉन्स्टेबल की जो 9405 वैकेंसी हैं ये आने वाली हैं क्या? बच्चों अभी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये वैकेंसी जो है आपकी आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन हाँ इन्होंने ये बताया था कि ये हमारे पास खाली है। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम है कि ये 7500 जो वैकेंसी आपकी जा रही हैं अभी, ये इसमें इंक्लूड नहीं हुई हैं। जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जाएंगी तो इसमें से ये घट जाएंगी, यानी ये इंक्लूडिंग हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाला हूँ, कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ जो आप समझिएगा बहुत ही अच्छे से, अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वहाँ पे जो जून में एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी में क्या होगा ये होता है कि उसमें कितने ऐसे जो है कैंडिडेट हैं, कितने ऐसे जो पुलिस में हैं उनका जो है रिटायरमेंट होना है, और कितने ऐसे हैं जिनका प्रमोशन होना है। और जैसे ही जून में ये कार्य पूरा पूर्ण हो जाएगा कि कितने का प्रमोशन होना है, कितने जो कैंडिडेट हैं उनको जो है रिटायरमेंट मिलनी है, उसी के बाद एक डाटा यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा और उस डाटे के थ्रू ही वो डाटा ऊपर भेजा जाएगा, उसके बाद ही वैकेंसी यहाँ पे पास होंगी। तो ये चीज़ आप अपने मन में बिल्कुल यहाँ पे रख लीजिएगा। बच्चे पूछ रहे थे क्या दिल्ली पुलिस भर्ती 2024 में आ पाएगी? बच्चों देखिए, यहाँ पे मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे ये जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 7500 वैकेंसी आई थी, तो उन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक प्रस्तावित कोई भी वैकेंसी नहीं है ये बोला था, और ये 90% सत्य भी है। 10% में क्यों बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि 10% कुछ भी हो सकता है। तो 10% में आप समझ लीजिएगा कि ये वैकेंसी हो सकता है आ सके, लेकिन मुझे नहीं लगता है 90%, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो ये सच है या झूठ है? बिल्कुल सच है बच्चों, क्योंकि जब वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे बताया था कि 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी दिल्ली पुलिस की भर्ती प्रस्तावित अभी नहीं है, तो बच्चे ज़्यादा उस पर जोर ना दें। तो यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने बताया था। अब बात आई क्या 2025 में आएगी भर्ती। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल उठेगा कि सर अब अगर 2024 में नहीं आएगी, क्या 2025 में वैकेंसी आएगी? और वैकेंसी आएगी तो कितनी आएगी? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर 4800 वैकेंसी क्या पास हो गई हैं। बहुत सारे बच्चे कर रहे थे सर 70 यानी कि 7500 आपकी वैकेंसी पास हो गई हैं। बच्चों अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है जिसमें आपको ये बताया जा सके, या कोई भी यूट्यूब चैनल आपको ये बताता है, या कोई भी इंटरनल ऑफिशियल जो जानकारी है ये नहीं है कि आपकी 4800 वैकेंसी आएंगी, ये आपकी 7500 वैकेंसी आएंगी। वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कमेटी यहाँ पे बैठकर उसको एनालाइज ना कर ले कितने पद हमारे पास अब रिक्त हैं, कितनों का प्रमोशन हो चुका है, कितने कैंडिडेट यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद ही आपकी वैकेंसी डिसाइड की जाती है। बच्चों दिल्ली पुलिस ने ये खुद बताया है कि तब तक ये सारी चीज़ें एनालिसिस ना हो जाएंगी, तब तक कोई भी वैकेंसी का यहाँ नहीं है कि वैकेंसी कितनी आ पाएंगी। तो ये बिल्कुल गलत है जो बच्चे ये बोल रहे हैं सर इतनी वैकेंसी इतनी हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी आपको यहाँ पे इतनी देखने को मिलेंगी। हालांकि एक पॉसिबिलिटी बनाई जताई जा सकती है कि आपकी लगभग 5000 के करीब आपकी वैकेंसी आनी ही चाहिए दिल्ली पुलिस यदि वैकेंसी करती है तो, हो सकता है यहां पे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे पूछ रहे, आपने देखा होगा 523 की भी वैकेंसी आई थी,
तो ऐसा नहीं है कि आपकी 7,000 या 5,000 ही वैकेंसी आएंगी, हो सकता है 523 वैकेंसी आ जाएं, क्योंकि एक बार आपने देखा होगा 2000, ये आपकी जो है 2000 आपकी 17-18 की, यहाँ पे 16-17 की बात है, जिसमें आपकी वैकेंसी 523 भी आई थी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि वैकेंसी आपकी 5,000 ही आएंगी। भर्ती कौन कराएगा, बहुत सारे बच्चों का मन में ये सवाल है, क्या SSC वैकेंसी कराएगी या फिर आपका दिल्ली पुलिस कराएगी। बच्चों देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी पहले ही ऐसा हो चुका था कि SSC को वैकेंसी दी गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ली थी, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने SSC को यहाँ पे ये दे दिया था। तो 90% तो आपका SSC ही कराएगी इसको, और 10% में हो सकता है दिल्ली पुलिस करा ले। यदि ऐसा स्थिति आई, दिल्ली पुलिस को ऐसा लगा कि SSC के थ्रू वैकेंसी नहीं करानी चाहिए, इस वैकेंसी को खुद कराना चाहिए, तो हो सकता है 10% में वो आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, 90% मुझे लगता है कि SSC ही कराएगी, और SSC ही करा रही है, और SSC बहुत अच्छे से आपको पता होगा वैकेंसी करा रही है। तो उसमें क्या जरूरत है दिल्ली पुलिस को अपने से खुद से लेने की, जब ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से वैकेंसी और उन्हें कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो ये आप मेरी बातें समझ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन कराएगा तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो बच्चों ये थी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड न्यूज़, जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। जैसे ही कोई भी नोटिस या कोई भी ऑफिशियल चीज़ें यहाँ पे आएंगी तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।